मौजूद रहेगा। इस पर मजीद भी अपडेट्स आपसे हासिल करेंगे। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। खुशहाली देने, पाकिस्तान की आवाम को रोजगार देने, नौजवानों को उम्मीद देने के अंदर दिन रात मेहनत कर रहा था। ये गाली देता था, वो मंसूबे पे काम करते थे। ये गाली देते थे, ये गले से घसीट दो के नारे लगाते थे कंटेनर से, और वो उस वक्त बिजली के मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे थे और पूरे मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की गई। उस वक्त भी 126 दिन यहां फसाद फैलाकर कब्रें खोदी गई डी चौक पर और हाथ में से खाली गए। इस्तीफा उस वक्त मांग रहे थे उस मुंतखब वजीर आजम से। और आज भी आप देखें कि मुल्क के अंदर तामीर और तखरीब के दो किरदार हैं। तखरीब खूनी मार्च मुसल्ला अफराद और फितना और फसाद मचाने के लिए एक शख्स आज भी कंटेनर पर खड़ा है, लेकिन फर्क जरूर है। ये वही शख्स है जो 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत रहा। ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगार किया, जिसने पाकिस्तान की आवाम को गरीब किया, जिसने पाकिस्तान की आवाम को भूखा किया, जिसने पाकिस्तान को लोड शेडिंग दी, 44,000 अरब का कर्जा दिया, मुल्क में महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई। ये वही शख्स है जो 4 साल दूसरों पर करप्शन के झूठे इल्जाम लगाता रहा और एक भी साबित नहीं कर सका। आज वही शख्स 4 साल के बाद फिर कंटेनर पर है और तखरीबकारी के ऊपर है, फितना और फसाद फैलाने के ऊपर है। और दूसरी तरफ आज अवाम ने देखा जब मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ आज भी 4 साल से बंद मंसूबा बिजली का, करोड़ डैम का, जो सीपैक का मंसूबा था जिसको बंद रखा गया, कंपनी मिन्नतें करती रही उस वक्त वजीर आजम इमरान खान से जो आज कंटेनर पे चढ़े हुए कि हमें मिलने, ये सीपैक का मंसूबा है, लेकिन उनको किसी ने मिलना गवारा नहीं किया। परसों उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कॉन्टैक्ट किया और आज वजीर आजम साहब उस मंसूबे पर पहुंचे और उसको बहाल किया। और आज भी अवाम ने देखा कि एक तरफ तस्वीर थी तामीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जो मुल्क में बिजली के मंसूबे इनके बंद किए हुए जो नवाज शरीफ ने तोहफे दिए थे, जो 4 साल बंद रहे उनको बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो दिन रात मुल्क से महंगाई कम करने के काम कर रहे हैं, जो अवाम को रिलीफ देने के काम कर रहे हैं, जो इन नालायकों, ना अहलों और करप्ट टोले का मचाई हुई तबाही को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माशी बहाली है उसको खुशहाली में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर आज वो देखी और दूसरी तरफ तस्वीर तखरीबकारी और फितना और फसाद की देखी जो फिर कंटेनर के ऊपर है। किस मुंह से कंटेनर के ऊपर है? आप 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर रहे हैं, किस चीज की आप प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं? और दूसरी तरफ अवाम ने देखा पुलिस वाले शहीद हुए, अवाम ने देखा पुलिस वालों पर हमले हुए, अवाम ने देखा कि असला बरामद इनके ओहदेदार और इनके ऑफिस होल्डर्स और इनके टिकट होल्डर्स के घरों से हुआ, अवाम ने देखा कि अवाम को सड़कों पर बुलाकर खुद हेलीकॉप्टर में हवा में मोहलिक रहे, और देखा अवाम ने कि आज भी जबान से सिर्फ गाली निकल रही है, आज भी सिर्फ धमकी निकल रही है, आज भी सिर्फ फसाद और फितना मचाने की कोशिश की जा रही है। ये वो तखरीब और तामीर का फर्क है जो पाकिस्तान की आवाम ने ऐलान कर दिया है आज कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए। आज नौजवान ने यह ऐलान किया है कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें माशी बहाली चाहिए, हमें मुल्क के अंदर महंगाई को खत्म करना है, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को खत्म करना है। आज मुल्क इस तरह के गैर मामूली हालात से गुजर रहा है जो इस फितना और फसाद का किसी तरह भी कबूल नहीं करेगा और मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज मुल्क में अवाम ने यह फैसला सुना दिया है कि उनको ऐसी सियासत जिसमें गाली हो, जिसमें बदतमीजी हो, जिसके अंदर फसाद हो, जिसमें फितना हो, उसको आज अवाम ने मुस्तरद किया है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूं पाकिस्तान की अवाम को।
मैं मुबारकबाद पेश करती हूं आज उन नौजवानों को जिन्होंने इनको मुस्तरद किया है। और फर्क रात के अंधेरे में झूठे मजमे को फोटोशॉप करके और कहा जाए ये लाइट, सारा कुछ लाइट का मसला होता है, आज दिन दिहाड़े फर्क सिर्फ लाइट का था। अवाम ने आपको हमेशा मुस्तरद किया है, पार्लियामान से अदम एतमाद के जरिए अवाम ने आपको निकाला है, जिसका जवाब आपको आज मिल गया है। 20 लाख लोगों का ऐलान करने वाला, अवामी सैलाब का ऐलान करने वाला आज फेस सेविंग ढूंढ रहा है। आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, अब बराए मेहरबानी मैं ये बात अवाम से भी कहना चाहती हूं कि अब तामीर का सफर शुरू हो चुका है, अब तरक्की का सफर शुरू हो चुका है, अब नौजवानों के लिए रोजगार का सफर शुरू हो चुका है, अब मुल्क में महंगाई खत्म करने का सफर शुरू हो चुका है, अब मुल्क के अंदर माशी बहाली का सफर शुरू हो चुका है, अब मुल्क के अंदर सिर्फ इत्तेहाद, इत्तफाक, तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू हो चुका है, जिसका फैसला आज पाकिस्तान की अवाम ने सुना दिया है। और ये फर्क इमरान खान साहब को समझना होगा कि अब 22 करोड़ अवाम और नौजवान, ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बहन, भाई सिर्फ पाकिस्तान में मुल्क की तरक्की चाहते हैं और वो सियासत चाहते हैं जो कारकर्दगी और तामीर के ऊपर मबनी हो, वो सियासत चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो। और यही वो फर्क है जो इमरान खान साहब को समझना होगा। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने हकायक पाकिस्तान की आवाम को दिखाए, उन्होंने हकायक की रिपोर्टिंग की और आज जहां जहां पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया और जो लोगों को सड़कों के अंदर बुला के घरों की बेसमेंट में छुप गए, आज उनको भी पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। ये वो फर्क है जो इमरान खान साहब को आज के बाद समझ लेना चाहिए। और मैं आवाम को वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से आज इनवाइट करती हूं कि आए 28 मई को अब यौम तकबीर मनाएं, जब पाकिस्तान को नाकाबले तस्खीर बनाया, जब पाकिस्तान की कौमी सलामती को और तमाम धमकियां होने के बावजूद, तमाम दबाव होने के बावजूद एटमी धमाके करके भारत को पैगाम दिया कि अब पाकिस्तान किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, एब्सोल्युटली नॉट, ये होता है। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ मिलके जिन्होंने आज फसाद को मुस्तरद किया है, मैं एक और पैगाम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से देना चाहती हूं कि आए यौमे तकबीर मनाएं और 14 अगस्त को पाकिस्तान की 75वीं गोल्डन जुबली मनाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को इनवाइट किया जाता है, तमाम तबके के लोगों को इनवाइट किया जाता है, नौजवानों को इनवाइट किया जाता है। अब पाकिस्तान आज के बाद सिर्फ खुशहाली के सफर को सेलिब्रेट करेगा, मुल्क के अंदर तरक्की के सफर को सेलिब्रेट करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर दोबारा से पाकिस्तान की जो दुनिया भर में मुतासिर हुई है इज्जत, और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, अवाम का रोजगार, नौजवान का रोजगार और पाकिस्तान के अंदर तमाम वो सूबे जो इनकी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन की वजह से बंद पड़े थे, उसकी बहाली की मुबारकबाद पाकिस्तान की अवाम को देना चाहती हूं जी। और एक और बात जी, मैं जो यासीन मलिक साहब का फैसला आया है दिल्ली कोर्ट से, मैं उसकी शदीद मुजम्मत करती हूं और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि यासीन मलिक साहब को कोई फ्री ट्रायल, एक्सेस टू काउंसलर, उनकी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं तिहाड़ जेल में उनको रखा गया था। आज अदालत में भी उन्होंने उस बहादुर बेटे के लिए की तरह जिसने तन तनहा आजादी की ये जंग और उसकी तर्जुमानी की है, आज हिंदुस्तान में दिल्ली की कोर्ट से उन्होंने चंद सवालात किए जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। ये ह्यूमन राइट्स की भी भारत वायलेशन कर रहा है
और उसके बाद ये तमाम उन अग्रीमेंट्स की वायलेशन है, सिविल राइट्स की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन है, जो 75 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह बर्बरियत और जुल्म के साथ ये भारतीय एजेंडा है। हम इसको भी मुस्तरद करते हैं, हम उस सजा को भी मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह हम ये आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले वजीर आजम की हदायत के ऊपर कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की थी वजीर आजम ने कि ये इसको टेकअप किया जाए, जिसको किया गया और इंशाल्लाह ये इस तरह के फैसले यासीन मलिक और कश्मीरी आवाम की किसी तरह भी हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। ये वो खौफ है जो आज नजर आ रहा है एक शख्स के बोलने से, एक शख्स के और आजादी की बात करने से। अगर डर नहीं लगता तो यासीन मलिक को बोलने दिया जाए, यही हमारा मुतालबा था और उनको उनकी सुनवाई हो। और उन्होंने आज जिस तरह अपना मुकदमा लड़ा है कोर्ट के अंदर, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। देखें, मैंने पहले जब टीवी चैनल्स पे चला तो मेरी स्टेटमेंट भी आई थी कि किसी किस्म का कोई मुजाकरात या किसी किस्म का कोई मुआहदा तय नहीं पाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके मुताबिक उन्होंने मुजाकराती टीम गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने बना दी है और उसका मुजाकरात मेरे ख्याल में रात को होना तय पाए हैं। और जिस तरह ये कोई मुआहदा और मुजाकरात होंगे उसको पाकिस्तान की आवाम के सामने लाया जाएगा, क्योंकि ये टोला जो फसादी है, फितना है, इससे पहले ये आवाम से झूठ बोले, हम आवाम को उस मुआहदे की तफसील भी बताएंगे और जो जगह मुतय्यन की जा रही है जलसे के लिए उसके बारे में भी बताएंगे। और उसके बाद यहां आकर इमरान खान साहब, जितने भी लोग हैं सामने, उनसे तक